सीधी जिला मुख्यालय से लगे ग्राम पंचायत कुरवाह में पंच के बाद सरपंच पद का भी निर्विरोध चुनाव हुआ है, जिसमें राजकली प्रजापति निर्विरोध सरपंच बनने जा रही हैं। वहीं उप सरपंच रहे जागेश्वर द्विवेदी से जगन्नाथ द्विवेदी ने बात की है। आप कुरवाह पंचायत के उप सरपंच रहे हैं, आपने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, पूरा पंच सहित सरपंच के निर्विरोध निर्वाचन किए हैं, क्या मानते हैं? मैं ये मानता हूँ कि पिछले कार्यकाल में मैं उप सरपंच था और सरपंच को साथ में लेके ग्राम पंचायत का अच्छा काम किया हूँ, चाहे आवास हो, चाहे पानी हो, चाहे बिजली हो, चाहे खाद्यान्न हो। उसमें माननीय विधायक जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद था ग्राम पंचायत कुरवाह की ओर। कोई किसी प्रकार की समस्या आती थी, माननीय विधायक जी खड़े होते थे, उनके योगदान से, उनके आशीर्वाद से कुरवाह पंचायत पंच और सरपंच सभी निर्विरोध हुए। आप उप सरपंच रहे हैं जी, फिर भी इतनी बड़ी उपलब्धि आती है, क्या लगता है कि शासन की ओर से आपका क्या संदेश? अब शासन की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी कहे हैं कि पुरस्कृत किया जाएगा पंचायत को, अब आगे देखते हैं। पंचायत के विकास को लेकर आपके माध्यम से पिछले कार्यकाल में क्या क्या उपलब्धि कराएगी? हमारे माध्यम से पंचायत विकास के लिए पहले तो हर घर में हमने रोड बनवाया, पानी जहां पानी की समस्या होती थी, जितने हैंडपम्प मिल पाए हैं माननीय विधायक जी के द्वारा वो हैंडपम्प करवाया गया है, और बिजली की जो सुविधाएं थी बिजली की सुविधाएं मिल रही है, और गल्ला रास खाद्यान्न में सबसे ज़्यादा खाद्यान्न 300 नए कूपन जारी कराए हैं। शासन की योजनाओं का लाभ पंचायत में मिला? जी मिला, बिल्कुल मिला। जिस वजह से आपको ये उपलब्धि हुआ जी।